दलजीत कौर और निखिल पटेल लंबे समय से खबरों में बने हुए हैं। कपल जनवरी 2024 में अलग हो गया था। दलजीत कौर निखिल को छोड़कर बेटे जेडन संग केन्या से मुंबई वापस लौट आई थी। दोनों का मामला अब कोर्ट में है और कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। दलजीत ने निखिल पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के आरोप लगाए थे। वहीं अब निखिल ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके कहा कि वो दलजीत और मीडिया स्टोरीज से दूर रहेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक निखिल ने अपने बयान में दलजीत से रिक्वेस्ट की है कि वो अपना सामान केन्या वाले घर से ले जाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक निखिल के वकील ने दलजीत को डिटेल्स दी हैं कि वो अपना सामान खुद कलेक्ट कर लें या फिर किसी और को बोल दें। निखिल कानूनी लड़ाई की बीच चीजों को मीडिया में खींचना नहीं चाहते हैं। डॉट निखिल और उनका परिवार आगे बढ़ना चाहता है, इसीलिए वो दलजीत को हर बात का जवाब देना नहीं चाहते, क्योंकि दलजीत हर बार पास्ट लाइफ को बीच में लेकर आती है। निखिल अपने पास्ट के बजाय फ्यूचर पर फोकस करना चाहते हैं। वो दलजीत और मीडिया स्टोरी से दूर रहना चाहते हैं। निखिल संग ये दलजीत की दूसरी शादी है। इससे पहले दलजीत की शालीन भनोत के साथ शादी हुई थी। इस शादी से उन्हें बेटा जेडन है। दलजीत और शालीन की शादी चली नहीं और उन्होंने तलाक ले लिया। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही दिलचस्प जानकारी पाने के लिए हमारा चैनल फॉलो करें।